नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, भाग दो में हम लोगों ने कल जूट शब्दों को पढ़ा था, यानी कि जूट शब्द भाग एक को पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में जूट शब्द भाग दो को पढ़ेंगे। यानी कि कल कुछ शब्दों को पढ़ा था जूट शब्दों को, और जितने शब्द बच रहे थे उनको जो है हम लोग आज के वीडियो यानी भाग दो में पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो जूट शब्द आते थे, यानी कि दो शब्द जो इकट्ठे आते थे, उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती थी, यानी कि एक दूसरे के वो अपोजिट हुआ करते थे। जैसे आकाश पताल एक साथ आया था तो दोनों के अर्थ में देखिए यहाँ पर भिन्नता है। जीवन मरण, शत्रु मित्र, है ना, ये दोनों शब्द जो है विपरीतार्थक थे, यानी कि एक दूसरे से विपरीत अर्थ लेकर के थे ये लोग, ये दोनों शब्द, है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जिन शब्दों को पढ़ेंगे ये विपरीतार्थक नहीं है, बल्कि समान शब्द हैं, एक दूसरे से मिलेंगे ये, है ना, कि सेम शब्द हैं। अब इनको हम लोग संकेत लिपि में कैसे लिखेंगे, इसी को आज की इस वीडियो में हम लोगों को सीखना है। यहाँ देखिए लिखा है धीरे धीरे, जब एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाए तो इनको हम लोग संकेत लिपि में कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लिखने के लिए देखिए धीरे का शब्द चिन्ह होता है ना, धीरे का दूर, धीरे का शब्द चिन्ह होता है, आपको याद होगा। लाइन काट करके इस संकेत को बोलते हैं दूर या धीरे, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं धीरे, तो धीरे धीरे। तो हमने आपको बताया था कि उसी शब्द को दो बार पढ़ा जाए, इसके लिए एक संकेत का यूज किया जाता है इस तरह से, जो हिंदी का गुरु चिन्ह होता है ना। तो इसी से अब ये धीरे हमने पढ़ा, अब इसको दो बार हमें पढ़ना, इस चिन्ह से हमें पता चलता है। तो धीरे धीरे अगर हमें लिखना है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा का शब्द चिन्ह है ना, लाइन पर था है, हाथ लाइन के ऊपर, थोड़ा लाइन पे, था थे थी लाइन काट करके, आपके बुक में जो दिया है गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस संकेत का यूज हम कर लेंगे। तो ये इससे जो है क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लिखा ही है, इसको हम लोग दो बार पढ़ लेंगे इस चिन्ह की वजह से, थोड़ा थोड़ा। फिर है जल्दी जल्दी, तो जल्दी बिजली का शब्द चिन्ह है ना, लाइन काट करके जला है ना, तो जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसके पास में क्या करेंगे, इस चिन्ह को रख देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इसी शब्द को दो बार हमें बोलना है जल्दी जल्दी। तो यहाँ देखिए ये विपरीत दो शब्द तो आ रहे हैं साथ में, जूट शब्द भी हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग नहीं है, अर्थ एक ही है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द ये नहीं है। फिर है बड़े बड़े, तो बड़े का शब्द चिन्ह है लाइन पर ब, है ना, अब इसी को दो बार रिपीट करना है, तो इस संकेत को हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा बड़े बड़े। इसको हमने आपको बताया भी था कि एक ही शब्द को दो बार रिपीट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए, इस तरह से सीरियल नंबर वन कंप्लीट हो गया, और ये इजी भी था, आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। जब हम लोग सीरियल नंबर दो पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है सारा का सारा, सारा सारा दो बार तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में देखिए विभक्ति है जो दोनों को अलग कर दे रही है ना, दोनों को अलग अलग कर दे रही है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे सारा सारा होता तब तो यहाँ पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग पढ़ लेते, सारा लिखते और इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते, लेकिन बीच में का आ जा रहा है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना ये है कि पहले हम सारा लिखेंगे, तो सारा का शब्द चिन्ह आपको पता होगा लाइन के ऊपर, सारा या साधारण, तो इसको हम लोग सारा पढ़ेंगे, ये शब्द चिन्ह है सारा का। अब का के लिए हम करते ये हैं कि इसी शब्द चिन्ह के नीचे इस तरह से का रख देते हैं, यानी कि का, तो सारा का, फिर इसी को एक बार पढ़ लेते हैं सारा, है ना, सारा ये हो गया शब्द चिन्ह सारा, और ये का के लिए इसका यूज हम करेंगे का, और इसी को फिर सारा पढ़ लेंगे सारा का सारा, यानी कि इस तरह से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी शब्द को दो बार रिपीट करना है, यानी कि सारा ये हो गया का, फिर ये सारा, है ना। फिर आगे देखिए लिखा है दिन पर दिन, तो दिन पर दिन कैसे लिखेंगे, ये देखिए लाइन काट करके दिन होता है, आपको पता होगा दिन, उसी के नीचे पर रख दीजिए, ऐसे पर का चिन्ह है ना पर, तो ये हो गया दिन और ये पर, फिर इसी को पढ़ लेना है पर दिन, तो दिन पर दिन, है ना। तो ये काफ़ी छोटा संकेत बता रहा हूँ मैं, और कहीं से भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में, इसलिए यहाँ हमने पर का चिन्ह दे दिया है ना, कि ताकि जो है आप एक झटके में जो है देखते ही पहचान जाएं कि ये दिन लिखा है, पर पढ़ेंगे फिर
दिन, दिन पर दिन। तो यहाँ देखिए टच हो गया, थोड़ा सा दूर बनाइएगा, थोड़ा सा आगे है सबका सब। तो सबका सब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो साहब सुबह लाइन पर होता, सब सबसे लाइन पर होता है ना, आपके बुक में गलत लिखा हुआ है, वो लाइन काट करके बनाया हुआ है। तो यहाँ हो गया सब। अब का के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ सारा का सारा, तो सारा हमने लिखा था, का नीचे लिखा था और फिर सारा हमने पढ़ लिया है ना, दिन पर दिन, तो दिन हमने लिखा, पर लिखा, फिर दिन पढ़ लिया। उसी तरह सब का सब, इसी का को लगाना है यानी कि सब, और उसी के नीचे का रख देंगे, तो सब का इसको हम पढ़ लेंगे, फिर इसी को एक बार पढ़ लेना है सब, सब का सब है ना। तो इस तरह से जो है हम इसको रिपीट कर। दोस्तों जब हम लोग सीरियल नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ देखिए एक विभक्ति आ रही है, ही हरियाली, ही हरियाली, हरियाली हरियाली दो बार ये शब्द आ रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है, ही आ जा रहा है ना। तो जहाँ पर भी बीच में ही आ जाए, दो शब्दों के बीच में अगर ही आ रहा है, तो इनको कैसे हम लोग संकेत लिपि में लिखते हैं, आइए इसको हम लोग सीख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हरियाली लिखते हैं है ना, हरियाली जो है लिखेंगे। तो हरियाली कैसे लिखेंगे, ये ह री याली, या का यहाँ लोप करते हैं, हर ल से हरियाली। अब क्या करेंगे, ये ही के लिए हरियाली, जैसे एक शब्द ये हमने पूरा पूरा लिख लिया, हर याली, या को बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं, हर हरली होगा नहीं, क्या हो जाएगा, हरियाली ही होगा, हरियाली का ये एक तरह से मान लीजिए कि संकेत है हरियाली। अब ही के लिए हम क्या करते हैं, ही और भी का संकेत आपको याद होगा, ही और भी का संकेत तो ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन ही का संकेत आपको याद होगा छोटा सा वृत्त होता था, तो उसी वृत्त को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ये हरियाली ही। अब हरियाली फिर लिखना है तो दूसरे वाले शब्द में ये लास्ट वाले लेटर को जोड़ देते हैं, जब दो शब्द एक साथ आएँ और उनका अर्थ समान हो और बीच में ही आ जाए, तो इनको जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया हरियाली, और ये ही के लिए यहाँ पर ही के सब चिन्ह को जोड़ दीजिए, ही वाला जो सब चिन्ह होता था तो उसको हमने जोड़ दिया, हरियाली ही। और हरियाली फिर है तो दूसरे शब्द के अंतिम व्यंजन को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, देखिए हरियाली ही और ल से हरियाली है ना, आखिरी जो है व्यंजन जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब देखिए उसी तरह से अगला शब्द एक और मिलेगा उसी टाइप का, जैसे लिखना है पानी ही पानी। अब इसको देखिए ये लाइन के ऊपर हम बनाएंगे पानी, पाना से पानी, अब ई की मात्रा आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि ही यहाँ पर जोड़ना है, नहीं तो हम पानी में ई की मात्रा भी देते हैं, तो पानी और यहाँ ही के लिए क्या करेंगे, ही के वृत्त को ले लेंगे, पानी ही यहाँ तक हो गया, पानी में आखिरी व्यंजन को हम यहाँ पर जोड़ते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा पानी ही पानी, पानी और फिर ये हो गया ही और ये पानी है ना। अंधेरा ही अंधेरा, इसको अब सब चिन्ह ये संकेत लिपि में कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। ये जो है ये अंधेरा, अंधेरा ये हो गया, फिर ये ही के लिए जो है यहाँ छोटा सा वृत्त बनाएंगे, अंधेरा ही, और अंधेरा में आखिरी व्यंजन को आगे जोड़ देते हैं, अंधेरा में अंधेरा ही और यहाँ पे र से अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, तो यहाँ अंधेरा पढ़ते हैं ही और र से, यानी कि फिर इसी शब्द को रिपीट करना है ना, अंधेरा ही अंधेरा। तो इस तरह से दोस्तों दो शब्द एक साथ आएँ और उनका अर्थ अगर भिन्न नहीं है और बीच में ही आ रहा है, तो इनको जो हम लोग संकेत लिपि में इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए सीरियल नंबर 4 पर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इसे हमें संकेत लिपि में लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे इसे देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा का सब चिन्ह आपको याद होगा, ज़्यादा इस तरह से होता है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ वृत्त से जो है से पढ़ते हैं, जिस वृत्त को बीच में ही पढ़ते थे उसी वृत्त को यहाँ पर जरूरत के हिसाब से भी पढ़ा जाता है, तो ज़्यादा से फिर इसी सब चिन्ह को रिपीट कर दीजिए, ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा दो बार लिखेंगे, यानी कि ज़्यादा के सब चिन्ह को दो बार रिपीट करेंगे, तो ये हो गया ज़्यादा, फिर इसको पढ़ेंगे से और फिर इसी वृत्त को ज़्यादा के लिए भी यूज कर लेंगे है ना, तो इस तरह से हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपके बुक में जो है उस सब चिन्ह का यूज मत करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है, जब आप लोग ट्रांसलेट करेंगे संकेत लिपि से हिंदी में तो
तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो है चूंकि आप पहले से परिचित हैं ज़्यादा वाले सब चिन्ह से, तो तुरंत ही पकड़ लेंगे ज़्यादा से, फिर ये ज़्यादा। फिर है कम से कम, तो कम का सब चिन्ह है आपको याद होगा, तो ये कम लाइन के बीच में का बनाते हैं तो कम हो जाता है कम, और ये से और ये कम, है ना। इस वृत्त को जो है हम से भी पढ़ लेते हैं, तो कम ही कम होगा नहीं, ज़्यादा ही ज़्यादा होगा नहीं, क्या हो जाएगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आप यहाँ ही पढ़ ही नहीं सकते हैं, से ही आप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अच्छा से अच्छा, तो ये देखिए लाइन काट करके अच्छा का सब चिन्ह होता है ना, लाइन काट करके इस संकेत को बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अच्छा से अच्छा। तो अब ये से अच्छा यहाँ क्या है ना, स वृत्त को जो ये जो से का वृत्त था, यानी कि जिसको हम से पढ़ रहे थे बीच में, इसको हम यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हैं, दिक्कत हो रही है हमें जोड़ने में, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर जो है बीच में इस से को रख देते हैं, तो अच्छा से, अब इससे हम पकड़ लेते हैं, इसी शब्द को एक बार फिर पढ़ना है, तो अच्छा से फिर अच्छा, इस तरह से पढ़ लेंगे। फिर है तेजी से तेजी, तो पहले तो आप यहां पर लिखिए तेजी, हो गया तेजी, है ना, तेज, और या स को यहां पर ज पढ़ेंगे, तो तेज और आगे बढ़ाइए, तो तेजी हो गया से तेजी। अब यहां पर हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, जोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इससे को यहां पर ऐसे रख देंगे, तो इससे ये होगा कि तेजी और ये से को देखते ही हम पकड़ लेंगे कि तेजी से फिर इसी एक शब्द को पढ़ना है, यानी कि तेजी से तेजी, है ना। तो इस तरह से हम लोग तेजी से तेजी लिख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मैं जो है काफ़ी सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो यही चीज़ काफ़ी कठिन महसूस होगी आपको, काफ़ी जो है टफ है ये, है ना। लेकिन मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं, और इन शब्दों की खूब प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, डिक्टेशन जब हम लोग लिखेंगे तो काफ़ी यूज में आएगा ये, है ना। तो इनकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। फिर देखिए आगे लिखा है रोज ब रोज, अच्छा इन शब्दों को कम से कम 10 बार आप अपने आप से लिखिएगा, तो ये सब के सब याद हो जाएंगे, और इसी बेस पे और भी शब्द आएंगे तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। अगर हमें लिखना है रोज ब रोज, ये सब देखिए दो बार रिपीट तो किया गया लेकिन बीच में ब आ जा रहा है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम रोज लिखेंगे, तो रोज का सब चिन्ह है आपको याद होगा ना, लाइन पर र और स से रोज, अगर सब चिन्ह नहीं होगा तो रोज का संकेत ऐसे ही बनता है, र स से रोज, है ना, रोज। अब हम क्या करेंगे ब के लिए, अब चूंकि ये ब जुड़ नहीं पाएगा बीच में, तो अब हम क्या करते हैं कि किनारे जो है यहाँ पर, यानी कि सटा करके इसी को ब के आंकड़े को रख देते हैं, आपको ब का आंकड़ा याद होगा, तो ये रोज और ये ब फिर इसी रोज को पढ़ लेते हैं, जैसे अच्छा से फिर अच्छा, तेजी से तेजी, उसी तरह से रोज ये ब के आंकड़े को देखेंगे तो ब पढ़ेंगे, फिर ब को देखते ही समझ जाएंगे कि रोज को फिर एक बार रिपीट करना है, यानी कि फिर पढ़ना है रोज को, तो रोज ब रोज, है ना। दिन ब दिन, तो दिन के सब चिन्ह को यहाँ पर बनाइए, दिन हो गया ये, अब जो है क्या करेंगे ब को यहाँ पर रख देंगे, तो अब जब ब को हमने यहाँ पर रख दिया यानी कि ब आंकड़े को, तो दिन ब, अभी इस ब से हम पकड़ जाएंगे, दिन को फिर एक बार हमें पढ़ना है, तो दिन ब दिन। फिर है एक ब एक, तो एक ब एक को जो हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, दो तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक को इस तरह से लिख लीजिए, एक, है ना, ये पूरा पूरा एक लिखा हुआ, या लाइन पे का भी बना देते हैं तब भी एक पढ़ लेते हैं, एक, और फिर जो है यहाँ रख दीजिए ब, एक, और ये ब के संकेत को देखेंगे तो ब पढ़ेंगे, और ब के संकेत से ये पकड़ लेंगे कि इसी शब्द को फिर रिपीट करना, एक ब और ये एक हो जाएगा, है ना। अब ब को हमेशा बाद में ही रखिएगा, शब्द के बाद में, यानी कि रेखा के बाद ही रखिएगा, या तो हम लोग एक ब एक ऐसे लिख लें, या एक तरीका और भी है एक ब एक लिखने का, देख लीजिए ये एक का सब चिन्ह है और यहीं पर रख दीजिए ब, है ना, तो एक ब और फिर इसी से एक पढ़ लेंगे। आप चाहे तो इसी बिंदी के नीचे भी ब रख सकते हैं, है ना, तो आपको जो संकेत अच्छा लगे उसको आप लोग बना लीजिए।
तो दोस्तों इस तरह से आज का ये वीडियो हम लोगों का समाप्त होता है। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जस्ट बगल में बेल आइकन लेगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।